गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं कोई स्केच बनाने नहीं जा रहा हूँ। आज यूथ डे के अवसर पे मेरे कुछ स्टूडेंट्स द्वारा एक ड्रामा यानी कि प्ले प्रस्तुत किया गया है। तो आइए उसी को देखते हैं और सीखते हैं क्या हमें उससे शिक्षा मिलती है। तो ड्रामा कुछ इस प्रकार है कि जो आजकल की शिक्षा व्यवस्था है उसको लेके कि उस शिक्षा कैसे शिक्षा हमें उचित है, क्या हमें सीखने को मिलता है विद्यालय में, मतलब किस प्रकार की शिक्षा हमारे लिए सर्वोच्च है। तो इस प्ले के द्वारा हम यही सीखने को मिलेगा। तो आइए इस प्ले का आनंद लेते हैं। अरे भाई, सामान के कितने पैसे हुए? एक सामान के 20 रुपए, तो कुल 120 रुपए हुए। पैसा जब आपने बोला अभी कि एक सामान के 20 रुपए, कुल मिला के 60 रुपए हुआ। 120 क्यों? बच्चे के 60 रुपए, ये अभी अभी नया रेट लागू हुआ है। 60 रुपए, ये तो सिर्फ 12 किलो का है जबकि सामान 30 किलो का है। अरे मैडम जी, अगर बच्चा गिरे और सामान गिरे तो नुकसान कब ज्यादा होगा? अरे भाई अभी क्या बोल रहे हो, बच्चा गिरेगा तो बच्चा कीमती हुआ ना, कीमती सामान को ले जाने में ज्यादा मिल सकती है। भाई साहब आप 100 रुपए ले लो। ठीक है, बच्चा मैं रख लेता हूँ और सामान के 60 रुपए दे दो। ये क्या बोल रहे हैं, मैं अपना बच्चा आपको कैसे दे दूँ? मैडम जी, बच्चा आपका है तो इसकी जिम्मेदारी भी लेना सीखो। कल जब ये बड़ा होगा तो आपके साथ भी ऐसा करेगा और फिर लोग बोलेंगे कि बच्चे बदल गए हैं, माँ बाप का ख्याल नहीं रख रहे। अच्छा भाई आप पैसे लो। अरे ओ गुली भाई, हाँ काका कैसे हो और कहाँ जाओगे? बेटा बैग पकड़ना। भाई आपने ऐसा क्यों किया, बच्चे के लिए 60 रुपए क्यों? काका बच्चे को तो मैं यूं ही अपनी गोद में ले आता बिना पैसे के। आपको पता है ना, बच्चे भगवान के रूप होते हैं। सही कहा काका आपने, पर लेकिन माँ बाप ये भूल जाते हैं कि बच्चे की जिम्मेदारी है। चलो सामान की जिम्मेदारी हम ले लेंगे। भैया आप तो बहुत अच्छे हो और शिक्षित भी लग रहे हो, फिर कुली की नौकरी क्यों? भाई नौकरी तो नौकरी होती है, और ऐसी नौकरी कहाँ जहाँ हर देश विदेश के लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, सेवा करते हैं। बहुत अच्छा बेटा, सुनकर दिल खुश हो गया है। आप बिल्कुल गांव जैसे विचार है आपके। आप कहाँ जाएंगे काका? हमें दिल्ली जाना है भैया। अरे चलो चलो, ट्रेन आ गई है, आपका सामान मैं पहुँचा देता हूँ। नहीं नहीं भैया, चिंता ना करें, मैं आपसे कम ही पैसे लूंगा। जीता ना बेटा, लेकिन मैं अपने सामान और बेटे की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचने के पश्चात एक रेस्टोरेंट में भोजन के लिए रुकते हैं। एक ग्राहक और एक मैनेजर के बीच में वार्तालाप दिखेगी आपको। होटल का दृश्य, ग्राहक बैठ के अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वहीं बेटा और पिता पहुंच रहे हैं। चप्पा टेबल और चेयर पे फटका मारो, पानी को बोतल रख दो। प्लेट भी मैं ही साफ करूं, टेबल भी मैं ही साफ करूं और पानी भी मैं ही दूं। जान ले लो हमारी, किसी दिन इसकी तिजोरी साफ करूंगी। इस खड़ूस ने मुझे मशीन समझ के रखा है। जल्दी रात कितना लेट करता है। अरे वाह, क्या मेहमान नवाजी हो रही है। मैं हाथ धुल के आता हूँ। बाबा बैग तो रख दो। अरे कहाँ रखो, उधर धूल ही धूल है। आप मुझे दीजिए। और मैं बताओ क्या लेंगे? अगर मेरे दोस्त आते होंगे तो फिर हम बता देंगे। अरे देख देख कितने गरीब है, फटे हुए कपड़े पहन जाए।
फैशन है, ये कितनी महंगी जीन्स है इन्हें क्या पता। अरे पापा धीरे बोलो, ये आज छोटा फैशन है। फटे हुए कपड़े, पता नहीं शहर में कौन कौन से फैशन आ गए। और साहब क्या लेंगे आप? क्या क्या है खाने में? चौमिन मोमो, राजमा चावल, दाल चावल, छोले पूरी, सब्जी पूरी, क्या लेना चाहेंगे आप? आप ऐसा करिए, रोटी और सब्जी ले आइए। कितनी प्लेट, दो या तीन? बेटा हम दोनों बाप बेटे हैं, एक ही थाली में खाते हैं। साहब जी यहाँ ऐसा नहीं चलता, आप दो लोग हो। पापा एक मिनट, आप चुप रहिए, मैं बोलता हूँ। आप ऐसा कीजिए, दो प्लेट रोटी सब्जी दे दो, ले आइए। आप खा लो ना बेटा, थोड़ी सब्जी दोगे? सब्जी के पैसे अलग से लगेंगे। आप सब्जी ले आइए, हम पैसे दे देंगे। अजीब बात है, आज ही सब्जी से रोटी के साथ सब्जी नहीं खाए तो क्या पानी से? चाचा जी यहाँ पानी के भी पैसे लगते हैं, 25 रुपए से तो आपने हाथ धुला है। बेटा ये क्या कह रहा है, 25 रुपए से हाथ? पापा ये पानी की एक बोतल 25 रुपए की है। हे भगवान, मुझे लगा था मेहमान नवाजी हो रही है, इससे अच्छा तो गांव है। चलो बिल दे के आपकी। कितना हुआ बिल भैया? आपके हो गए 1100 रुपए। ये लीजिए मुखवास खाइए। कैसा लगा खाना? अच्छा ही लगा होगा, इस एरिया का नंबर वन होटल जो है। ये लीजिए आप पैसे। एक काम कीजिए, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। ऑनलाइन पेमेंट इसमें क्या होता है? आपको सीधा फोन में एक ऐप होता है पेमेंट, उससे करना होता है। आप उसको सीधा डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पैसे करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, पैसे गिनने से बचा जा सकता है। थैंक यू। दृश्य, जिस मकसद के लिए पिता व बेटा शहर आए थे अपने बेटे का एडमिशन करवाने, वह मकसद लेकर अब वो कॉलेज पहुंचते हैं, जहां पिता एक भव्य भवन को देखकर, विद्या मंदिर को देखकर भावांजलि के साथ उस मिट्टी को प्रणाम करते हुए प्रवेश करता है। कितना प्यारा विद्या मंदिर है। पापा आप इधर ही रुकिए, मैं पता करके आता हूँ। सर मेरा नाम मानवेंद्र है, मैं यहाँ पे एडमिशन करवाने के लिए आया हूँ, मुझे क्या करना होगा? आपको सेकेंड फ्लोर पे जाइए। अरे अरे कितना गंदा बच्चा है, मंदिर जैसे कॉलेज को गंदा करता है। पापा सुनिए, मैंने पता कर लिया है, सबसे पहले हमें काउंसलिंग के लिए जाना है, रूम नंबर 2 दूसरी मंजिल। फिर तो चलो बेटा, देर ना करो। चलिए। पापा आप थक तो नहीं गए? अरे नहीं, तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई कुछ पूछे तो अच्छे से जवाब देना, तभी तो इतने अच्छे कॉलेज में दाखिला हो पाएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। माता जी हमें अपने बेटे का दाखिला करवाना है। माता जी व्हाट रबिश,
अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। सॉरी मैडम, हम अपने बेटे का दाखिला करवाने आए हैं। आप ये बताइए, आप कितने रुपए तक खर्च कर सकते हैं? कितने रुपए तक खर्च कर सकते हैं का मतलब? हाँ जी, अगर इंजीनियर बनाना है तो 20 लाख, डॉक्टर बनाना है तो 10 लाख, MBA करना है तो 7 लाख। ये लीजिए, इसमें सब कुछ लिखा है। पर हमें तो बताया गया था कि फीस ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 लाख रुपए तक में हो जाएगा, तभी तो हम आए। आपको ये किसने बताया? शायद आपको गलत जानकारी मिली है। ऐसा नहीं है मैम, मैं अपना खेत बेचकर 2 से 2.5 लाख रुपए कर सकता हूँ, तभी हम आए हैं। ये देखिए लिखा भी है 2 से 2.5 लाख रुपए। वो तो केवल ट्यूशन फीस है, बस का किराया, बिजली पानी आदि मिलाकर 10 लाख तक हो जाता है। आप कोर्स देख लीजिए, आपको कौन सा करना है, फीस तो देख ली जाएगी। आपने तो हमें डरा ही दिया, मैं क्या ही बोलूं, ऐसा लग रहा है सारा सपना टूट सा गया है। आप ऐसा ना सोचें। अच्छा मैम, आप ये बताइए कि आप मेरे बच्चे को एक अच्छा किसान बना सकते हो, इसके अंदर देश की सेवा का भाव रख सकते हो, इसे ऐसा बना सकते हो कि ये पूरे देश की भुखमरी मिटा सके? जी नहीं, हम केवल इंजीनियर की डिग्री, डॉक्टर की डिग्री देते हैं, ये किसान उसान बनाना ये सब हमारे कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। आप बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं देते, पैसे तो बहुत लेते हो। अच्छी शिक्षा का क्या मतलब? हमारा कॉलेज मार्केट में टॉप पोजीशन पर है। अच्छी शिक्षा यानी जो मनुष्य के अंदर पूर्णता को व्यक्त करे, हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिसे चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पे खड़ा होना सीखे। आपकी बातें बहुत सुंदर हैं, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं तो यहाँ नौकरी करती हूँ। मैम, हमें जो कुछ चाहिए वह श्रद्धा है, दुर्भाग्यवश भारत से इसका प्राय लोप ही हो गया है और हमारी वर्तमान दशा दुर्दशा का कारण भी यही है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धा से ही ज्ञान मिलता है। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और नए वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।